Hello dear students, in this video we are going to discuss about TYBAB semester 5 financial management 2 important topics. तो इसका मैंने कुछ question paper pattern का video नहीं बनाया because FM के बारे में ये बोलना बहुत difficult है कि कौन सा question compulsory आ सकता है, किसको क्या और में आ सकता है. तो ये समझ के चलो कि financial management में कोई भी chapter किसी के लिए भी और में आ सकता है, ठीक है. बट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जिसके ऊपर आपको फोकस करना है और शॉर्ट टर्म में भी आप उसको पढ़ सकते हो, उसके बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूं, ठीक है. तो और ये स्किप मत करना बिकॉज एफएम इज अ टफ सब्जेक्ट, कभी कभी क्वेश्चन समझ में नहीं आते, तो आपको सबका प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, ठीक है. सबसे पहले देखो, एज यू कैन सी कैपिटल बजटिंग चैप्टर आपको पता रहेगा. कैपिटल बजटिंग 15 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, 15 मार्क्स के लिए आया तो आपका लॉटरी है, ये समझ के चलो, क्योंकि ये चैप्टर कंपैरेटिवली इजी है. इसका वीडियो भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है. सो 15 मार्क्स के लिए आ सकता है कैपिटल बजटिंग, या फिर 8 मार्क्स के लिए और या फिर 7 मार्क्स के लिए, कन्फर्म. ओके, तीनों में से एक पॉसिबिलिटी आ सकता है. तो इसमें क्या करना है आपको, परफेक्ट पे बैक पीरियड, एनपीवी, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एंड डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, ये थोड़ा अच्छे से करके जाना है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस है. ओके, और आते ही है. दूसरी बात, ये सब कैलकुलेट करते वक्त आपको ये भी पढ़ना है कि कैश फ्लो कैसे कैलकुलेट करते हैं. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन करोगे, यू विल गेट द अमाउंट ऑफ कैश फ्लो. तो जितने क्वेश्चन पढ़ना पॉसिबल है आपको, मैंने शॉर्टकट में इसके बारे में बताया. और एक बात यहाँ पे मैंने मेंशन करना, मैं भूल गया, कैपिटल बजटिंग में ARR भी पढ़ के जाओ. ओके, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न. ओके, वो भी पढ़ के जाना. सो पे बैक पीरियड, एनपीवी, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, दैट इज PI, उसको शॉर्टकट में बोलते हैं, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड एंड ARR, ये आपको करना ही है किसी भी हालत में. अगर 15 मार्क्स यही पे ही मिल गए मतलब आपके पासिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है. उसके बाद अगला कैपिटल रेशनिंग आपको करना है. कैपिटल रेशनिंग चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा होगा. ओके, डिविजिबल होते हैं कुछ प्रोजेक्ट नॉन डिविजिबल होते हैं. ओके, जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स वगैरह आपने पढ़ा होगा. नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ो प्लीज, अभी भी टाइम है. एफएम का मनन का बुक्स तो अच्छा ही है, बट अगर आपको पॉसिबल है विपुल के बुक से थोड़ा सा पढ़ना, बिकॉज लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चन जैसे है डिट्टो क्वेश्चन उठा के उसने विपुल के बुक्स के डाले हुए थे, स्पेशली क्रेडिट मैनेजमेंट चैप्टर का क्वेश्चन, ठीक है. तो उसका थोड़ा सा रेफरेंस आप लोगे तो अच्छा है. 8 मार्क्स के लिए या फिर 7 मार्क्स के लिए आ सकता है कैपिटल रेशनिंग. उसके बाद वॉल्टर मॉडल आ सकता है 8-7 मार्क्स के लिए, गॉर्डन मॉडल आ सकता है 8-7 मार्क्स के लिए. उनके फॉर्मूलाज है, उनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है, प्रैक्टिस करो इसका. उसके बाद नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ये हर बार 2018 में आया था, 19 में आया था, 22 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ठीक है. इसका एक वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है, उसका एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना. सॉल्यूशन बहुत इजी है अगर समझोगे तो, बट बहुत से लोग उसको थोड़ा इग्नोर मारते हैं. तो इसका प्रैक्टिस अच्छे से करो, ये आपको आ सकता है 15 मार्क्स के लिए, डायरेक्ट 15 मार्क्स यू कैन गेट. ओके, एंड क्रेडिट मैनेजमेंट का तो गारंटी है ही, 15 मार्क्स के लिए आएगा. क्रेडिट मैनेजमेंट चैप्टर आपको अच्छे से करना है, उसका भी एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है. क्रेडिट मैनेजमेंट में फिक्स कॉस्ट होगा, वेरिएबल कॉस्ट होगा, या फिर फिक्स कॉस्ट नहीं होगा तो क्या करना है, कैलकुलेशन कैसे करना है, 360 डेज दिया होगा तो 360 डेज लेना है, ये सब मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूँ, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा. सो डोंट इग्नोर क्रेडिट मैनेजमेंट, 15 मार्क्स के लिए डेफिनेटली आएगा, ठीक है. YTM, दैट इज यील्ड टू मैच्योरिटी, वो फॉर्मूला आपको आना चाहिए. फॉर्मूला आ गया, आप लोग ये इजिली अटेम्प्ट कर सकते हो. 8 मार्क्स या फिर 7 मार्क्स का इसका वेटेज होगा YTM का, ठीक है. उसके बाद बॉन्ड वैल्यूएशन का एक क्वेश्चन है, 8 मार्क्स या फिर 7 मार्क्स के लिए आ सकता है. चैप्टर पढ़ोगे विल कम टू नो, टेबल वगैरह बनाना होता है उसमें. ओके, थोड़ा सा अपना टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट भी उसमें काम आता है. तो ये जो मैंने आपको बताया ये इंपॉर्टेंट टॉपिक से इसके ऊपर फोकस करना ही है, ठीक है. एक बार प्रैक्टिस कर लेना सभी क्वेश्चन, स्पेशली 2018-19-22 के क्वेश्चन पेपर अगर आपको पॉसिबल है सॉल्व करना, या फिर एक बार नजर घुमाना भी पॉसिबल है अगर आपके पास एफएम का बुक है विपुल पब्लिकेशन का स्पेशली, तो एक बार आप लोग पढ़ सकते हो बिफोर एग्जाम, बिकॉज एफएम इज अ ट्रिकी सब्जेक्ट. ओके, और एफएम पास होने का एक ही मंत्रा मैं आपको दूंगा कि एफएम के ऑब्जेक्टिव्स जो है एमसीक्यू, ट्रू और फॉल्स या फिर मैच द पेयर्स जो भी आता है, वो 15 में से आपको 10 मार्क्स मिलना ही चाहिए.
और थेरी जो 15 मार्क्स का आता है उसमें से 15 में से 10 मार्क मिलना ही चाहिए, या फिर 7-8 भी मिल गया तो वो 10, ये 10 कितना 20 हो जाता है, और एक प्रैक्टिकल आपका बराबर आ गया 15, मतलब उधर ही आप पास हो जाओगे। सो एफएम में प्रैक्टिकल के साथ साथ ऑब्जेक्टिव्स एंड थेरी भी बहुत मैटर करेगा फॉर योर पासिंग, बिकॉज ये सब्जेक्ट जो है थोड़ा सा ट्विस्टेड सब्जेक्ट है, क्वेश्चन कभी कभी घूम के आता है, समझ में नहीं आता, वहीं पे बैठे रहोगे वैसे ही एग्जाम हॉल में। ओके, तो अभी भी टाइम है, बाद में रोने से अच्छा अभी प्रैक्टिस करो, ठीक है? रात भर जग के पढ़ाई भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि कल एग्जाम के बाद सोना ही है, एक दिन का छुट्टी है टैक्स के पहले। ओके, और टैक्स तो आप आराम से पास हो जाओगे, उसका वीडियो भी डाला है, उसका मैं बता दूंगा आपको पैटर्न वगैरह सब, ठीक है? दो चैप्टर भी पढ़ोगे टैक्स में पास हो जाओगे, लेकिन इसका ऐसा नहीं है, दिन रात भर जाके पढ़ाई करो, सुबह जल्दी उठो, फिर से प्रैक्टिस करो। ओके, बाद में पेपर होने के बाद सो जाना, डोंट इग्नोर एफएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है? अगर आपने एफएम को सीरियसली नहीं लिया तो एफएम आपको सीरियसली ले लेगा, ठीक है? इट इज माय एडवाइस। और प्लीज कीप फॉलोइंग भागवे सर ज्ञानदीप कॉमर्स क्लासेस और अपने वीडियोस जो है। ओके, बहुत से बच्चे अपना भला हो गया बस बाकी भूल जाते हैं, बट ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि सब लोग एक साथ पास हो सके। एंड थैंक यू सो मच, एंड थैंक्स फॉर फॉलोइंग भागवे सर ज्ञानदीप कॉमर्स क्लासेस।